आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट बॉलीवुड मसाला में। 2007 में धूम मचाने वाली अक्षय कुमार की फिल्म भूल भुलैया का सीक्वल रिलीज हुआ है। इस सीक्वल में कार्तिक आर्यन लीड रोल में नजर आए, साथ ही कियारा आडवाणी भी लीड रोल में नजर दिखाई दी। क्या कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की जोड़ी अक्षय कुमार की भूल भुलैया को टक्कर दे पाएगी और उनकी अदाकारी लोगों को पसंद आएगी, इसी का पता लगाने के लिए आज प्राइम टीवी की टीम सिनेमा हॉल तक पहुंची। आइए जानते हैं जनता से कि कैसा लगा उन्हें भूल भुलैया का नया अवतार। और इतना हॉरर नहीं है, बट बहुत अच्छा है। बहुत क्यूट है। इंटरनेशनल क्रश बन जाएगा। आपको कैसी लगी बेटा? बताओ तो पहले, मूवी कैसी लगी? बहुत अच्छी। और बेटा, डर लगा मूवी में? वेरी नाइस, बहुत मूवी, बहुत अच्छी। फाइव में से कितने स्टार देंगे मूवी को? फाइव में से कितने स्टार देंगे? फाइव स्टार दूंगा। दोनों अपने अपनी जगह बेस्ट हैं। पैसा वसूल मूवी है, मजा आ जाएगा पूरी तरह से। ऑल इंडिया क्रश है वैसे भी। सो आज हम लोग आए हैं फिल्म रिव्यू के लिए कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की जोड़ी की, यानी भूल भुलैया 2 की। सो 20 मई यानी आज ही के दिन रिलीज हुई है कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की मूवी भूल भुलैया 2। इससे पहले अक्षय कुमार की भी मूवी भूल भुलैया 1 आई थी। तो मज़ेदार ये होगा कि कार्तिक आर्यन का रोल ज़्यादा अच्छा लगा या अक्षय कुमार का। और आइए आज लोगों से जानेंगे कि उन्हें मूवी कैसी पसंद आई और कितनी अच्छी लगी, कॉमेडी लगी या हॉरर लगी, या अक्षय कुमार का रोल उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। सो बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं पब्लिक रिव्यू के लिए। कैसी लगी आपको? नाइस मूवी, इट वाज अ नाइस मूवी। स्टोरी कैसी थी? स्टोरी भी अच्छी। हॉरर थी या कॉमेडी थी? कॉमेडी थी। कार्तिक आर्यन का रोल ज्यादा अच्छा लगा या अक्षय कुमार का जो भूल भुलैया 1 का? कार्तिक आर्यन हैज आल्सो डन अ गुड जॉब दिस टाइम। तो कार्तिक आर्यन के ज्यादा? या दिस टाइम। और हॉरर लगी या फिर थोड़ी? शुरुआत में अच्छा लगा, उसके बाद में फिर डर नहीं लगा। कैसी लगी मूवी? काफी अच्छी थी। मतलब ट्रेलर जैसा था उस तरह लगा या फिर? ट्रेलर में मेरे को नहीं लगा था, ट्रेलर उतना खास नहीं था, बट मूवी अच्छी थी। तो कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की जोड़ी कैसी लगी? अच्छी थी, सोचा नहीं था मैंने, लेकिन अच्छी। मंजुलिका का रोल कैसा था? अच्छा था। कैसी लगी मूवी आपको? नाइस। फैमिली मूवी है? हाँ, फैमिली मूवी है और इतना हॉरर नहीं है, बट बहुत अच्छा है। सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं और काफी अच्छा है। कार्तिक का रोल बहुत अच्छा है। अच्छा, कार्तिक आर्यन पसंद है आपको? हाँ। कैसी लगी मैम मूवी आपको? बहुत अच्छी लगी, बहुत इंजॉय किया, मेरी बेटी ने बहुत इंजॉय किया। आपको कैसी लगी बेटा? बहुत अच्छी लगी। बताओ तो पहले, मूवी कैसी लगी? बहुत अच्छी। कार्तिक आर्यन की जोड़ी अच्छी लगी आपको? और बेटा, डर लगा मूवी में? थोड़ा बहुत? हाँ। ज्यादा कि थोड़ा? थोड़ा सा लगा। कैसी लगी मैम मूवी? वेरी नाइस, बहुत मूवी, बहुत अच्छी। फाइव में से कितने स्टार देंगे मूवी को? फाइव। ओके। और मैम मूवी बहुत अच्छी। फाइव में से कितने स्टार देंगे? फाइव स्टार दूंगा। कैसी लगी मैम मूवी? इट वाज अमेजिंग। कार्तिक आर्यन की मूवी ज्यादा अच्छी थी या फिर अक्षय कुमार की? दोनों अपने अपनी जगह बेस्ट हैं। तो मतलब सॉन्ग्स कैसे थे? इट वाज गुड। फाइव में से कितने स्टार देंगे? 4। फाइव में से 4। स्टोरी कैसी लगी आपको? अच्छी थी। स्टोरी ठीक थी? ठीक। और कियारा आडवाणी के साथ जोड़ी कैसी लगी कार्तिक आर्यन? बहुत अच्छी थी। मंजुलिका का रोल कैसा लगा? मंजुलिका का भी बहुत अच्छा रोल था। मूवी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी और बहुत ही फनी है। आप लोग जाओगे इतना मजा आने वाला है ना, कि एकदम पैसा वसूल मूवी है, मजा आ जाएगा पूरी तरह से। कितने स्टार देंगे? 5। अरे मैं 5 पूरा दे दूंगी। वैसे भी कार्तिक आर्यन मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, तो कोई टेंशन नहीं। ऑल इंडिया क्रश है वैसे भी। हाँ, ऑल इंडिया क्रश है और इतनी अच्छी मूवी है, कुछ बोल ही नहीं सकते। बहुत मजा आया। दोनों हॉरर तो है ही नहीं बिल्कुल। मंजुलिका का रोल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और कायरा तो बहुत खूबसूरत लगे इस मूवी में, बहुत मजा आ गया।
जैसे कि आप सबने पब्लिक रिव्यू देखा कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, 5 में से 4 स्टार कुछ लोगों ने दिए, 5 में से 3 स्टार कुछ लोगों ने दिए और 5 में से 5 स्टार भी लोगों ने दिए, लेकिन गर्ल्स का क्रश कार्तिक आर्यन, उन सबको मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई। और जहाँ तक बात करें कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन की जोड़ी की, तो बहुत अच्छी, और तब्बू मैम ने बहुत अच्छा रोल निभाया है, कहा जा रहा है मंजुलिका का रोल काफ़ी अच्छा निभाया गया है। तो फिल्म रिव्यू में तो कार्तिक आर्यन की भूलभुलैया 2 पास होती है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, प्राइम टीवी लखनऊ। आज के हमारे खास सेगमेंट बॉलीवुड मसाला में इतना ही। ऐसे ही बॉलीवुड की चटपटी गॉसिप के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी का खास शो बॉलीवुड मसाला। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।